Morning students, welcome to the online study system of CR International School. In our previous video, we started our first lesson, The Fun They Had, a book Beehive, and this chapter is written by Isaac Asimov. In this chapter, the author clears that what kind of school we will have in future. के फ्यूचर में हमें कैसे स्कूल मिलने वाले हैं, राइट. दिस चैप्टर इज अबाउट 22nd सेंचुरी एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू कैरेक्टर्स, मागी एंड टॉमी. बोथ आर स्टडिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड दे हैव रोबोटिक टीचर. दे डू नॉट हैव एनी ह्यूमन टीचर. दे डू नॉट हैव एनी बुक. दे हैव ओनली ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट इन विच दे जस्ट रीड द स्क्रीन. वो स्क्रीन को पढ़ते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर ही सारा काम करते हैं, राइट. वहाँ पर उनको कंप्यूटर के थ्रू पढ़ना पड़ता है. ना कोई स्कूल बिल्डिंग है जहाँ वो जाते हैं, राइट. उनको एक रूम में बैठ के कंप्यूटर के आगे बैठ के अपनी कंप्लीट पढ़ाई करनी पड़ती है. सो वो ये सब करते हैं. तो मार्गी को, टॉमी को एक बार, मार्गी और टॉमी जो है वो इसके अंदर बता रहे हैं कि उनको एक बुक मिली है जो उसके ग्रैंडफादर की है, जो उनके एटिक के ऊपर थी. टॉमी उस बुक को पढ़ता है तो उसमें उनको पता चलता है कि पहले के टाइम में लोग कैसे पढ़ते थे, उनके पास कैसी बुक होती थी, कैसे टीचर्स होते थे, वो सब कुछ उसके अंदर पढ़ते हैं. मार्गी जो है वो अपने स्कूल को हेट करती है. क्यों हेट करती है? क्योंकि उसको स्कूल में काम करना पड़ता है, उसको होमवर्क करना पड़ता है, और उसका जो रोबोटिक टीचर उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, जिसकी वजह से वो स्कूल को हेट करने लग गई है, राइट. उसका जो कंप्यूटर टीचर है, यानी कि उसकी जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया है. अब उसको ठीक कराने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, वो उसको ठीक करता है. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था. नाउ वी विल डू नेक्स्ट. The inspector had smiled after he was finished. Inspector जो है वो जब अपना काम कर लेता है, उसका काम क्या था? उस कंप्यूटर को ठीक करना. जब उसको ठीक कर देता है तो वो स्माइल करता है, वो हंसता है, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को पैट करता है, उसको थपथपाता है. ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मदर से कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि इस छोटी बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है. मिसिस जॉन्स कौन है यहाँ पर? मार्गी की मदर. I think the geography sector was geared a little too quick. क्योंकि मुझे लगता है, I think, मैं सोचता हूँ कि geography sector जो है वो शायद थोड़ा सा quick, थोड़ा सा जल्दी हो गया था, यानी कि उसकी speed जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी. Geared मतलब उसकी speed बढ़ जाना. Those things will happen sometimes. ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं. आई हैव स्लो इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. अब मैंने इसको स्लो कर दिया है, एक 10 ईयर जो स्टूडेंट होता है उसके लेवल का कर दिया है, क्योंकि मार्गी जो है वो इतनी ही बड़ी है अभी. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. क्योंकि उसकी जो प्रोग्रेस है, मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि वो बिल्कुल संतुष्टिजनक है. उसमें यूँ नहीं है कि मार्गी पढ़ नहीं रही है, वो होमवर्क नहीं कर रही है, या फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, नहीं. उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो दोबारा से मार्गी के हेड को पैट करता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो होप कर रही थी, वो ऐसी आशा कर रही थी, वो ऐसा सोच रही थी कि शायद वो उसके टीचर को अपने साथ ही ले जाएं. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि वो एक बार टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए थे, नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए. बिकॉज द टीचर द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? क्यों? क्योंकि उसको अपना स्कूल अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए वो सोचती है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों ही लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ देखता है अपनी आईज़ को बड़ा करके, यानी कि सुपीरियर आईज से देखते हैं. बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, तो कहता है बेवकूफ़ वो हमारी तरह के स्कूल नहीं थे. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो पुराने टाइप के स्कूल थे. दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, क्योंकि वो 100 ईयर अगो पहले की बात है, यानी कि बहुत टाइम पहले की बात है. ही एडेड लॉफ्टीली, वो उसको मतलब लॉफ्टीली ऐसे वे में उसकी तरफ बोलता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से बोलते हुए, सेंचुरीज अगो, सेंचुरी से पहले की, मैंने कि
सेंचुरी पहले की बात है ये जो भी बुक हम पढ़ रहे हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जी थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मैं नहीं जानती कि किस तरह के स्कूल उनके पास थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो उस बुक को पढ़ती है अपने शोल्डर के उस पर रख के, देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर, उनके क्या होते थे, टीचर होते थे, क्योंकि उनके पास अभी कोई टीचर नहीं था ना। वो क्यों कहती है ऐसा कि उनके पास टीचर थे, क्योंकि अभी मार्गी और टोमी जिसे पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन टीचर नहीं है, वो रोबोटिक टीचर्स हैं। श्योर दे हैड ए टीचर, श्योरली उनके पास टीचर थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर वो किन को बता रहे हैं, जो अपने हैं जिसे वो पढ़ रहे हैं। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था, मीन्स उनके ह्यूमन टीचर थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मैन यानी कि ह्यूमन, एक आदमी जो है वो कैसे टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग एंड गेव देम होमवर्क, वो सिर्फ बॉयज एंड गर्ल, वहाँ पर जो लड़के और लड़कियाँ होते थे उनको सब चीज़ों के बारे में बताते थे, उनको होमवर्क देते थे एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन भी पुट करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक मैन यानी कि आदमी जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्मार्टनेस सिर्फ कंप्यूटर्स के अंदर है, उनके जो रोबोटिक टीचर है सिर्फ वो ही स्मार्ट है, ह्यूमन इतने स्मार्ट नहीं हो सकते कि वो पढ़ा सके, होमवर्क दे सके, क्वेश्चंस पुट कर सके। उनको लगता है कि मशीन्स ज़्यादा स्मार्ट है। श्योर ही इज, कि हाँ वो हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। वो कहते हैं कि जितना मेरे पापा को पता है यानी कि मेरे फादर को पता है, उतना ही मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच, मतलब बैच मतलब मैं बैट लगाती हूँ, मैं शर्ट लगाती हूँ, कि वो उतना ही जानते हैं जितना कि हमारे टीचर्स जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो थी उस पर कोई डिस्प्यूट करने की उस पर डिसएग्री नहीं थी वो। शी सैड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कहती कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर पर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर, टॉमी जो है वो चिल्लाया हंसी, मतलब उसको जोर से हंसी आई। यू डोंट नो मच मार्गी, कि तुम्हें तो ज़्यादा पता ही नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो थे वो घर में नहीं आते थे, मतलब घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर पढ़ने के लिए, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे थे वो सेम थिंग, जो बच्चे थे उनका सारा सब्जेक्ट जो था वो सेम रहता था, वो सभी एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते थे, एक जैसे सब्जेक्ट ही पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के हैं तो, मीन्स जो अगर वो एक ही क्लास में है, एक ही एज के हैं, तो वो एक साथ ही एक जैसी चीज़ें पढ़ेंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल इट टीचेज, वो कहती है लेकिन मेरी मदर कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट, कि वो फिट कर सके किसके, द माइंड ऑफ ईच बॉय, कि वो हर लड़के और लड़की के दिमाग के अंदर मतलब फिट कर सके, मीन्स कि वो ऐसे पढ़ा सके, वो इस तरीके से पढ़ा सके ताकि हर लड़के और लड़की को समझ में आ जाए कि टीचर को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। अब ये एडजस्टमेंट कहाँ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन एक ह्यूमन टीचर को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती ना हमें, कि हमें इतना एडजस्ट करके इतना उसको पढ़ाना है, इस लड़के को पढ़ाना है, इतना इस लड़की को पढ़ाना है, या फिर इस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है। अब वो उनको तो अपने आप अच्छे से पता होता है। इट टीचेज एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टोट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना होता है। अब ह्यूमन टीचर जो है उनको पता होता है कि बच्चों को, इस बच्चे को जल्दी समझ में आता है, इस बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, तो वो अपने तरीके से एडजस्ट खुद कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है कि उसको इतना स्पीड से पढ़ाना है, उसको इतना स्लोली पढ़ाना है, तो ये स्पीड जो उनको एडजस्ट करनी पड़ती है। इसलिए मार्गी कह रही थी कि उसकी मदर कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। जस्ट द सेम वे डिड दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो शायद वो सेम वे इस तरीके से वो ये नहीं करते होंगे।
If you don't like it, अगर आप उसको पसंद नहीं करते, you don't have to read the book. वो कहते हैं अगर तुम इसको पसंद नहीं करते तुम्हें पढ़ने की बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डिडेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. जब मार्गी उस बुक को क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि इस बुक में ऐसा दिया है ऐसा दिया है, तो टॉमी जो है वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है इस बुक के बारे में तो तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन मार्गी फिर जल्दी से क्या कहती है, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी. मीन्स वो उस बुक को पढ़ना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स. वो उन फनी बुक्स, उनके लिए बुक्स क्या थी, फनी थी, क्योंकि उन्होंने वो टाइम देखा नहीं था. वो उन बुक्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. उन्होंने अभी तक आधी बुक भी फिनिश नहीं की, मतलब उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मदर जो थी वो बुलाने लगी, मार्गी स्कूल मीन्स मार्गी तुम्हें स्कूल जाना है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. मार्गी ऊपर देखती कहती कि अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जॉन्स. मिसेस जॉन्स ने कहा अभी. एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद ये टॉमी का भी टाइम हो गया है उसको अपनी क्लास में जाना, मीन्स उसको भी स्कूल में जाने का टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, मीन्स पहले मैं अपना स्कूल अटेंड करके आती हूँ, उसके बाद मैं इस बुक को तुम्हारे साथ दोबारा पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सैड नॉनचैलेंटली. उसने उस बुक की शायद पढ़ सकती हूँ, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया. नॉनचैलेंटली मतलब विदाउट एनी इंटरेस्ट, और यू कैन से हिंदी में बोले तो उदासीनता के साथ उसने बोला ये. ही वॉकड अवे विसलिंग. वो चला गया वहाँ से विसलिंग यानी कि सीटी बजाते हुए चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. उसकी जो डस्टी क्यों है, क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी, उस पर धूल जमी हुई थी. अपनी बुक को टक मतलब लटका के चला गया. बीनीथ हिज आर्म अपनी आर्म अपनी बाजुओं में उसको लटका के वो चला गया वहाँ से. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. मार्गी स्कूल रूम के अंदर गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वो बिल्कुल उसके बेडरूम के साथ में ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन हो गया था, क्योंकि वो कंप्यूटर था तो उसको ऑन था वो, एंड वेटिंग फॉर हर उसके लिए वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. और वो हमेशा सेम टाइम उसी टाइम के ऊपर ही ऑन होता था वो एवरी डे, हमेशा हर दिन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. मीन सैटरडे और संडे उनका ऑफ होता था, उस दिन उसकी स्कूल की छुट्टी होती थी. तो इन डेज नाउ यू कैन सी इन पिक्चर कि मार्गी की जो स्कूल रूम है उसकी फ़ोटो दिख रही है आपको यहाँ पर, कि कैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठ के अपने हेडफोन्स लगा के वो पढ़ाई कर रही है. ऐसे उनके स्कूल रूम थे, ये उनके स्कूल रूम थे. ना मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे थे, मीन्स आपको देख रहे ना कि कभी स्क्रीन ऑफ ऑन होती है और उसमें दिखते हैं कि क्या क्या कंटेंट है उसके अंदर. बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि छोटी लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़कियाँ जो है, छोटे बच्चे जो हैं लर्न बेटर, वो अच्छा सीखते हैं अगर वो सीखें कैसे एट रेगुलर आर सही टाइम पे और बिल्कुल रेगुलरली उसको सीखें. अगर हम कोई भी चीज़ या कोई भी बुक पढ़ते हैं रेगुलरली तो हमें वो ज़्यादा आती है. तो इसलिए उसकी मदर सोचती थी कि वो रेगुलर आर उन्हीं निश्चित घंटों के अंदर पढ़े तो उनको ज़्यादा सीखने को मिलेगा. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन जो थी उस पर लाइट आ गई थी. एंड इट सैड और उसमें क्या आवाज साउंड हो रहा था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन. उनका जो अर्थमेटिक का लेसन जो था वो ऑन हो गया था. इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. उनका जो ये लेसन ये आज का था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन जो था वो क्या था, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और उसमें एक साइड में स्लॉट होता था जिसके अंदर उसको होमवर्क भी डालना होता था. तो उसमें ये भी आवाज़ आई कि कल का जो होमवर्क है वो इस प्रॉपर स्लॉट के अंदर आप वो डाल दें. मार्गी डिड सो विद द साइन. मार्गी ने वैसा ही किया एक साइन के साथ, मतलब शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, मीन्स अभी वो अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रही थी लेकिन अभी भी वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसने बुक में पढ़ा था. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक छोटे लड़के थे यानी कि छोटे बच्चे थे तब पढ़ते थे, तो वो उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी अभी. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सारे जो बच्चे थे नेबर वो सब आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग.
हंसते हुए चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में वो आते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए, सिटिंग टुगेदर, सारे एक साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम के, स्कूल के अंदर जो रूम्स बने होते हैं उनके अंदर वो एक साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो वो एक साथ अपने घर जाते थे, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास स्कूल बिल्डिंग है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, आप और आपके फ्रेंड्स वगैरह सब आते हैं स्कूल में सुबह, एक साथ बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक जैसे पढ़ते हैं और फिर बाद में एक साथ ही अपने घर जाते हैं, इसी तरीके से इन्हीं स्कूलों के बारे में वो बात कर रही है। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, सो जिससे कि वो एक दूसरे से होमवर्क के बारे में बात कर सकते थे और उसके बारे में वो एक दूसरे से सॉल्व भी कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे काम करने में एक दूसरे की, राइट। अब देखो मार्गी जो है वो कंप्यूटर टीचर के थ्रू पढ़ती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि कोई उसकी हेल्प कर सके, ठीक है। एंड द टीचर वर पीपल, और उनके जो टीचर्स थे वो पीपल यानी कि लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो था वो बार बार स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा था। वैन शी एट द फ्रैक्शन, जब उसने फ्रैक्शन ऐड किया 1/2 एंड 1/4, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कैसे बच्चे जो थे उनको वो अच्छी लगती थी, वो पुराने वाले जो टाइम था वो अच्छा लगता था उनको, और वो कैसे उस चीज़ को पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि पहले वाले स्कूल में बच्चे कितने ज़्यादा खुशी से काम करते थे, वो कितना उनको कितना मज़ा आता था उस स्कूल में पढ़ने में, वहाँ जाने में और एक साथ सबके बैठ के होमवर्क करने में, सब कुछ डिस्कस करने में, तो उन चीज़ों के बारे में वो अभी भी सोच रही थी, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर दैट वी कंप्लीटेड टुडे, राइट। In next video, we will discuss about the question answers of this lesson, right? I hope all of you understand today's lesson. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.